जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज के अंतर्गत एक नया टाइप पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे कहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको ट्रिक से देखेंगे, उसके बाद हम जो है इसका बेसिक देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम जानते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी, जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको ध्यान रखना है प्रतिशत वृद्धि और कमी, प्रतिशत वृद्धि और कमी के लिए, प्रतिशत वृद्धि और कमी के लिए दोस्तों आप जो है इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। दोस्तों यानी कि जब भी आपको एग्जाम में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। एक्स क्या है आपको यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या कमी को दिखाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि 20% की कटौती की गई तो ये आपकी क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। और आपको ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन में कमी के बारे में बोला है तो माइनस साइन का यूज करना है और वृद्धि के लिए प्लस का। तो इसी ट्रिक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आइए जानते हैं। क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20%। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 20। जब आप x की जगह 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 बटे, और इस क्वेश्चन में बोला कटौती, तो कटौती के लिए हम किसका साइन यूज करेंगे, माइनस का, और x की वैल्यू क्या रखेंगे, 20। तो 100 में से जब आप 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80। कितना बचेगा दोस्तों, 80, और इंटू 100, इंटू कितना हो जाएगा आपका, 100। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 20 से कम 20 और 20 चौक 80, और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचे आपके हो गए 20, 4 पंजे 20। तो फाइनली दोस्तों इसका जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 25%, जो कि बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हम इसका बेसिक समझते हैं। अगर हम ट्रिक भूल जाएं तो बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक क्या है। बेसिक के लिए दोस्तों आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। कितनी, 1/5। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। जैसे आप परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे आएगा आपका 100, फिर 20/100 को डिवाइड करेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो इस तरीके से आप जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। अब क्वेश्चन में बोला है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई, तो फ्रैक्शन वैल्यू से क्या होगा। जैसे पहले जो कर्मचारी की मजदूरी थी, यानी कि पहले हम यहाँ लिख लेते हैं उसकी मजदूरी, यानी कि क्या लिख लेते हैं, मजदूरी।
ये जो है उसकी मजदूरी है। और यहाँ लिख लेते हैं हम उसकी नई मजदूरी, क्या लिख लेते हैं, नई मजदूरी। तो क्वेश्चन में बोला है कि 20% की कटौती की गई मजदूरी में, तो ये क्या है उसकी बेस वैल्यू है, क्या है बेस वैल्यू, यानी कि अगर उसकी मजदूरी पहले कितनी थी 5 यूनिट, कितनी थी दोस्तों 5, अब ये वाली जो ऊपर वाली संख्या है अंश, ये आपको दर्शाएगा कटौती को। जैसे क्वेश्चन में बोला है 20% की कटौती की गई, तो हम कह सकते हैं कि 5 रुपये पर 1 रुपये की कटौती की गई। अगर आपने 5 में 1 की कटौती की तो आपकी नई मजदूरी कितनी हो जाएगी 4 यूनिट, कितनी हो जाएगी 4। पहले आपकी मजदूरी कितनी थी 5, अब कितनी है 4, 1 की कटौती करने के बाद। तो ये क्या है दोस्तों, आपकी मजदूरी का रेशियो निकल आया, क्या निकल आया रेशियो। अब क्वेश्चन में बोला है यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब दोस्तों पहले मजदूरी कितनी थी 5, घटकर कितनी हो गई 4, अब इस मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, क्या करना है पुनः पहले की मजदूरी के बराबर। तो आप 4 से 5 करेंगे तो कितने की वृद्धि करेंगे, तो आप कहेंगे सर 1 रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये आप जो 1 रुपये की वृद्धि करेंगे ये किस में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 4 में, यानी कि आपने मजदूरी को 4 से 5 किया, तो 4 से 5 करने के लिए 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, और किस में कर रहे हैं तो 4 में, बट्टे आ जाएगा 4 × 100। 100 से आपको इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वृद्धि जो पूछी है प्रतिशत में, यानी किसी चीज़ को हम परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 4 से 100 जाएगा 25 बार, यानी 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 25%। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का बेसिक है, हमने आपको दोनों तरीके समझाए, ट्रिक प्लस बेसिक, अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे कहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, क्योंकि परसेंटेज आपकी क्या है डिफ़िकल्ट है। जब परसेंटेज डिफ़िकल्ट हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बेसिक से यानी कि रेशियो मेथड से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 33 सही 1/3% की जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/3, क्या होगी 1/3। ये आपको ध्यान रखना है कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/3 होती है, आप जो इसको निकाल भी सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बोला ए का वेतन, यानी कि ये ए है और ये बी है, क्वेश्चन में बोला ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, किसके बारे में बोला गया है ए के बारे में, जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से कम है। तो दोस्तों ये नीचे वाली जो संख्या है 3, ये होती है आपकी बेस वैल्यू, तो ये बी की वैल्यू है, किसकी बी की। क्वेश्चन में बोला कि ए का जो वेतन है ये क्या है 1 कम है, 1 क्या है कम है, किससे बी के वेतन से। अगर बी का वेतन आपका कितना है 3 यूनिट, कितना है 3, और क्वेश्चन में बोला है ए का वेतन जो है 3 से 1 कम है, यानी बी के वेतन से कितना कम है 1, तो 3 में 1 कम है, तो हम कहेंगे ए का वेतन कितना है फिर आपका 2। तो ये ए और बी की जो ए और बी का जो वेतन है उसका क्या निकल आया अनुपात, यानी कि रेशियो निकल आया। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी का वेतन, यानी ये बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, यानी कि बी का वेतन ए के वेतन से
कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर एक ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? एक। यानी बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। बी का वेतन है 3, ए का वेतन है 2। अब ये एक जो ज़्यादा है, एक, ये किससे ज़्यादा है? अब बात आती है नीचे क्या लें, 2 लें या 3। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है आपको, जिससे तुलना हो रही हो बटे में वो संख्या आएगी। जैसे बी का वेतन ए के वेतन से, किससे? ए के वेतन से। तुलना किससे हो रही है? ए से। तो हम समझ सकते हैं यहाँ आएगा बटे में 2। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ज़्यादा है तो 2 से एक ज़्यादा है तो 2 आएगा इंटू 100। अब जब सिंपलीफाई करेंगे तो 2 × 5 = 10 और ये 0 पीछे चिपकाएंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 50%, जो कि सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा होगा? 50% ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी? दोस्तों यहाँ परसेंटेज आपकी क्या है? आसान है। 10%, जब भी परसेंटेज आपकी आसान हो, जैसे 10%, 20%, 25%, जो 100 में आसानी से जुड़ सके और घट सके, तो यहाँ पर क्या है? ट्रिक बेस्ट है। क्या है? ट्रिक। तो आप कैसे करेंगे? 10% घटा दी जाती है तो आप उसी ट्रिक का यूज करेंगे, एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 10%। तो एक्स की जगह 10 रखेंगे, 10 बटे। अब क्वेश्चन में घटा दी जाती है, यानी कि क्वेश्चन में किसकी बात हो रही? कमी की। तो कमी के लिए आपको किसका साइन यूज करना है? माइनस का। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका कितना? 90 इंटू 100। जब सिंपलीफाई करेंगे तो 0 से 0 आपका कट जाएगा तो ये आएगा 100/9। और 9 से 100 में भाग लाएंगे, पहले आप 10 में लगाएंगे तो 9 एकम 9, एक बचा 10 हो गए, फिर 9 एकम 9, अब आपका बचा 1। और जो 1 बचा नीचे यानी कि शेषफल, वो कहाँ जाएगा? आपका ऊपर, और 9। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 11 सही, 1/9%। अगर जिस किसी भी भाई को हमारे इस तरीके से संयुक्त भिन्न में बदलना नहीं आता है तो वो यहाँ ऐसे देख सकते हैं, जैसे आप 9 से भाग लाएंगे 100 में तो 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, उतारे 0, फिर एक बार जाएगा 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये भागफल आया इसको लिखेंगे 11 और ये संख्या जाएगी आपकी ऊपर, और जिससे भाग लगाया ये आएगी नीचे। तो 11 सही, 1/9%, ऐसे आप जो है इसको समझ सकते हैं। लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए दोस्तों, वरना आपसे ज़्यादा बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करके आपसे आगे निकल जाएंगे। दोस्तों आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों आपको बता दें, ये जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं आज की क्लास में, ये सारे हम एसडी यादव की जो बुक है उससे सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपके पास एसडी यादव की बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमारी परसेंटेज आसान है। क्या है? आसान। आसान है तो वही ट्रिक का यूज कर सकते हैं आप। ट्रिक क्या थी हमारी? एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। ध्यान रखना है दोस्तों, ये वाली ट्रिक आपकी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के लिए जो है यूज होगी। अब आप एक्स की जगह, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? 40%, और क्वेश्चन में बात की गई है कमी की, तो कमी के लिए किसका साइन यूज करेंगे? माइनस का। जब आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 40 और 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 60। कितना बचेगा? 60 इंटू 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे
20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 100 की दो में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 200 बटे 3। अब जब आप 3 से भाग लगाएंगे 200 में, तो पहले 20 में लगाएंगे, 3 छिंक 18, 2 बचे 20 हो गए, फिर 6 बार जाएगा 3 छिंक 18। अब आपका शेषफल कितना बचा, 2, 2 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, बटे 3। तो फाइनली आंसर आएगा 66 सही 2/3%, जो कि आपका सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट होगा। तो आपसे पूछा था कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप कहेंगे सर 66 सही 2/3% अधिक है। अब इसको आप रेशियो मेथड से देखना चाहते हैं, जो कि हमारा क्या है बेसिक तरीका है, उससे भी सॉल्व करेंगे। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 2/5 होगी। कितनी, 2/5, यानी कि परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100, फिर 20 से भाग लाएंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब ये ध्यान रखना आपको, नीचे वाली जो संख्या होती है बेस वैल्यू होती है, जिसके बारे में बोला है उसके बारे में। जैसे क्वेश्चन में बोला है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ए और बी को। क्वेश्चन में बोला है यदि ए की आय बी से 40% कम है, किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, और किससे, बी से, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी बी की वैल्यू होगी, किसकी, बी की। अगर बी की आय आपकी कितनी है, 5 यूनिट, कितनी है दोस्तों 5। क्वेश्चन में बोला ए की आय बी से 40% कम है, यानी कि कितना कम है, 2 यूनिट कम है, और 2 किस में कम है, यानी 5 में, बी की आय से 2 यूनिट कम है, किसकी, ए की, तो 5 में से 2 गया 3, तो ये आपकी जो है ए की आय निकल आएगी। तो ए और बी की आय का रेशियो कितना आ गया, 3:5। अब क्वेश्चन में आगे बोला है बी की आय, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो बी की आय है ये ए की आय से कितना अधिक है, तो आप देखेंगे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2, बी की आय 5 है, ए की आय 3 है, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब बात आती है बटे में कौन सी संख्या लें, नीचे 3 या 5, तो मैंने आपको बताया जिससे तुलना की जाए बटे में वो संख्या आएगी। जैसे बी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से, तुलना किससे हो रही, ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो बटे में आएगा 3। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 ज़्यादा है, यानी कि 2, अब ये 2 किससे ज़्यादा है, 3 से, तो बटे में कितना आएगा, 3 इंटू 100, और 100 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में जो है आंसर निकालना है। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 100 की 2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 200/3, और अभी हमने 3 से 200 में भाग लगाया था तो ये आया आपका 66 सही 2/3%। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन, जो कि हमने SD यादव की बुक से लिए, प्रतिशत कमी पर आधारित और वृद्धि से संबंधित थे। दोस्तों इसका नेक्स्ट टैब आपको जो है जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे थे, तो प्लीज़ कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।